बीजेपी ने जो कल अपनी पहली लिस्ट जारी की उसमें बबीता फोगाट का भी नाम है और इसके लिए उन्होंने बीजेपी का आभार भी जताया है, धन्यवाद किया है। जी हां, बबीता फोगाट ने टिकट मिलने के बाद बयान दिया है। जी हां, बबीता फोगाट का टिकट मिलने पर बयान सामने आया है। आपको बता दें कि उन्होंने आला कमान का आभार जताया है, शुक्रिया अदा किया है और टिकट मिलने के बाद ये शुक्रिया अदा किया गया है। कल ही जो है बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हुई है जिसके बाद बबीता फोगाट ने ये बयान दिया है। देश की 370-35 हटाना, क्योंकि वहाँ पे उस ये हटाने के बाद जो आतंकवाद है वो खत्म हो गया है बहुत ही। और दूसरा कि वहाँ पे व्यापार के साधन वहाँ पे खुलेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोग शिक्षित होंगे और हम तभी हमारा देश का विकास होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है एक बहुत अहम मुद्दा रहा है हमारे देश का और ये बहुत जरूरी था हमारे देश के हित में ये फैसला लेना। और आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी ने ये फैसला किया जो देश हित में लिया है, उसका हम सभी को सम्मान करना चाहिए और बहुत गर्व के साथ हमें उस महसूस करना चाहिए कि ये बहुत गर्व का पल है हमारे देश के लिए और सभी देशवासियों के लिए कि इतना बड़ा फैसला उन्होंने हमारे देश हित में लिया। और इसमें जो पाकिस्तान के रिएक्शन है, जो स्टेटमेंट्स आते हैं, उनको कैसे देखते हैं? देखिए, ये फैसला इतना बड़ा था कि इतिहास में इसको बदल के रख दिया है, तो इस वजह से वो बौखलाए हुआ है और उनका बौखलाहट देखते ही बनती है। तो हमारे जो प्रधानमंत्री जी ने बड़ा फैसला लेके हम सभी देशवासियों को गौरवान्वित महसूस किया करवाया है और हमें खुशी है कि आज हमें हमारे देश को ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं। थैंक यू। बबीता, आप प्रायोरिटीज क्या होंगी अब एक नेता बनने के बाद, क्या प्रायोरिटीज होंगी आप अपने दादरी से? देखिए, मैं दादरी से मुझे विधानसभा का टिकट दिया तो मैं इसके लिए स्पेशली थैंक्स कहना चाहूंगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का, जेपी नड्डा जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का और हमारे जो प्रभारी हैं हरियाणा के डॉक्टर अनिल जैन जी का और अमित मालवीय जी का, जिन्होंने मुझे हर संभव मुझे एक खेल अपनी जो बीजेपी की जो नीतियां हैं उनसे जोड़ा है और मुझे हर एक कदम पे दिशा जो निर्देश दिए हैं उन पे काम। तो बबीता फोगाट को आप सुन रहे थे जो धन्यवाद करती नजर आई बीजेपी का टिकट मिलने के बाद।